छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री में महासमुंद में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं आपसे विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। आज मैं आपके बीच अपने लिए कुछ मांगने आया हूं और मुझे आप पर भरोसा है। जब भी मैंने आपसे कुछ मांगा है, छत्तीसगढ़ ने मुझे कभी निराश नहीं किया है, इसने मेरी झोली भर दी है। छत्तीसगढ़ वह राज्य है जिसके पास इस्पात, कोला और वन संपदा की ताकत है। जब से आपने मुझे बनाया है, छत्तीसगढ़ विकसित भारत की यात्रा को गति दे सकता है। आपने मेरा काम देखा है, आपने मुझे मौका दिया है और आपने देखा है कि मैं बिना छुट्टी लिए आपकी सेवा करता हूं। मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया है, पीएम मोदी ने कहा कि 24 के चुनाव में सेवक नरेंद्र मोदी को आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा पल पल आपके लिए है, देश के लिए है। इस चुनाव में केवल आपको एक सांसद नहीं चुनना है, आपका उज्जवल भविष्य चुनना है। साथियों, आज मैं आपसे विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आज मैं आपके बीच मेरे लिए कुछ मांगने के लिए आया हूं और मुझे भरोसा है, मैंने जितनी बार भी आपके पास कुछ मांगा है, छत्तीसगढ़ ने मुझे कभी निराश नहीं किया है। मेरी झोली भर दी है उन्होंने। भाइयों बहनों, ये छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है जिसके पास स्टील की ताकत है। छत्तीसगढ़ के पास कोयले की शक्ति है। छत्तीसगढ़ के पास वन संपदा का भंडार है। छत्तीसगढ़ में विकसित भारत की यात्रा को तेज गति देने का सामर्थ्य है। आपने 10 साल मुझे देखा है प्रधानमंत्री, आपने जब से बनाया मेरे काम को देखा है। आपके सेवा करने का आपने मुझे मौका दिया है और आपने देखा है कोई छुट्टी लिए बिना मैं आपकी सेवा करता रहा हूं, नहीं करता रहा हूं, दिन रात सेवा करता रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए कभी कुछ किया, ऐसी कोई खबर आपने सुनी है? मैंने मेरे लिए कुछ किया ऐसी कोई खबर पढ़ी है? मैं 10 साल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जीता रहा हूं, आपके लिए जूझता रहा हूं।